तो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर इंटरेस्टिंग न्यूज वीडियो। तो भाई, जो अपनी फर्स्ट न्यूज निकलती है वो निकलती है गॉड एंड सोल की कंट्रोवर्सी के रिलेटेड। तो भाई, जिस तरह से कल हमें स्टोरी और रिएक्शन देखने को मिली जब सोल एलिमिनेट हो गई थी लैन से, आई सीड भाई का लाइव आए थे यूट्यूब पे, जो जो लैन पे वो इसके रिलेटेड बात करी, लाइक वो जिस तरह से खेले। बट भाई, आपको तो पता ही है, जब हमें सबकी तरफ से स्टोरी देखने को मिली उसके रिलेटेड, भाई हमें यहाँ तक भाव की तरफ से एक भी स्टोरी देखने को नहीं मिली जिसके ऊपर मैंने रिएक्ट करते हुए कुछ ये बोला, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। जो मैंने देखो यार, स्टेज पे जाके घातक के साथ ट्रैश टॉक किया था, मैं मेंटली प्रिपेयर था कि हम लोग हारने के बाद घातक भी कुछ ट्रैश टॉक करेगा, क्योंकि दैट इज हाउ ट्रैश टॉक वर्क्स। लाइक यू से समथिंग when you are winning, then when you lose you have to be mentally prepared for him to say I'm very disappointed ki ghatak ne kuch story nahi, matlab kai kuch karna chahiye tha yaar, matlab usne nahi to kya maza nahi aata hai, trash talk ka kuch point nahi hota। I was hoping he'd say something but he did not। to maine wo interview mein jaake janbujh ke obviously isliye bola tha ki kuch interesting story line you know create hota hai, maza aata hai ye log ye sab cheezon se, but I don't know, ghatak shayad zyada hi sudhar gaye to usne mere ko kuch bola nahi, पर मैं होप कर रहा था या एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कुछ हो जाएगा। बाकी भाई एक सीन और हो गया था भाई, आपको तो पता ही है कि गॉडल 2 पॉइंट से डिस्क्वालीफाई हुई थी बट सोल 2 पॉइंट से क्वालीफाई हुई थी। जब गॉडल एलिमिनेट हुई थी तो सीड भाई एक डांस क्लिप थी जिसमें वो 2 पॉइंट करके नाच रहे थे। भाई कुछ लोगों को लगा कि वो गॉडल को ट्रोल कर रहे हैं, इसको क्लैरिफाई करते हुए सीड भाई ने कुछ ये बोला कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि जब हम लोग क्वालिफाई हुए थे सुपर वीकेंड के लिए, और आई थिंक बहुत लोगों को लगा कि 2 पॉइंट से हम लोग किसी को ट्रोल कर रहे थे। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि जो 2 पॉइंट वाला जो हम लोग ने मारफा भी मैंने जो क्लिप डाली थी, द सोल फैंस नो, आई थिंक एवरीबडी नोज बट पीपल चूज टू इग्नोर इट। द सोल फैंस नो कि 2 साल पहले जब हम BGIS में क्वालिफाई हुए थे 2 पॉइंट से, तब मैंने वो मारफा किया था, और उसी लिए इस बार जब हम लोग 2 पॉइंट से क्वालिफाई हुए थे तब मैंने वो क्लिप डाली थी। अब प्रॉब्लम यह हुआ कि मेरी गलती है कि हमारे 2 पॉइंट नीचे गॉडल थी, वो मेरी गलती है, सॉरी टू गॉडल, कि गॉडल ही नसीब, मेरा ही नसीब खराब था कि गॉडल हमारे 2 पॉइंट नीचे थी, तो ऐसा लग गया कि मैं गॉडल को ट्रोल कर रहा हूँ, जबकि सबको पता है, आई थिंक पूरे कम्युनिटी को पता है कि वो गॉडल को ट्रोल नहीं था, वो हम सेलिब्रेट कर रहे थे कि हम 2 पॉइंट से क्वालिफाई हुए। बट प्रॉब्लम ये होता है कि इतना इनसिक्योरिटी होता है कि वट एवर कम्स आउट ऑफ माई माउथ इज समहाउ ट्रैश टॉकिंग गॉडल, विच आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन इट विल स्टॉप। बट जो भी है, झूठ बोलो जो भी है, कोप कर लो तुम लोग, बट People actually know what happened back then। तो भाई जब सीड भाई ने सब कुछ क्लैरिफाई कर ही दिया, बाद में हमें गॉडल अमर की तरफ से मैटर क्या रिएक्शन दिया एंड गॉडल एंड सोल के परफॉर्मेंस के लिए क्या बोला, ये सब आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। मैं कभी ये हरकतें नहीं करता किसी को ट्रोल करना, ये करना वैसे कि कितने दिन पहले हम लोग डिस्क्वालीफाइड हुए थे टूर्नामेंट से, 8 दिन, 5-6 दिन पहले, वॉट एवर जो भी था। तब मैं लास्ट टाइम भी स्ट्रीम पे आके एक चीज बोल के गया था, हम खेले बहुत गंदा, हम डिजर्व करते आपका हेट, प्लेयर्स भी डिजर्व करते आप हेट दोगे तो भी, क्योंकि अगर जब अच्छा खेल रहे तब तो ये क्या कर रहा है, वेंटन को समझा ले भाई, आप हमको सुपर चैट करके बता रहे, इससे पहले आप अपने लोगों को बता दीजिए कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो खुद के ऊपर भी उड़ेगा, समझे? अभी कुछ लोग आएंगे बोलने कीचड़ मतलब तुम लोग कीचड़ हो ऐसे वैसे, ये एक मुहावरा है, व्हाटएवर जो भी है, बोलने का ये कि हमने तो कभी स्टार्ट ही नहीं किया है ब्रो, कभी नहीं किया है। मैं आज भी कुछ ज्ञान देने नहीं आया है चीज के ऊपर, क्रॉन्टे ने लास्ट में भी डाला कि भाई ग्राइंड करेंगे प्लेयर्स दोनों टीम के, दोनों अच्छा करेंगे सारे लोग चुप हो जाएंगे। तो भाई एक हेल्दी कंट्रोवर्सी है, इसे दिल पे ना लगाए। तो भाई अपनी नेक्स्ट अपडेट निकलती है अगेन एक कंट्रोवर्सी के रिलेटेड। तो ये सब शुरू होता है सोल अमन के स्ट्रीम से, जहाँ पर वो बात करते हैं कि भाई आजकल के बीच में क्रिएटर बोट मार के टीम के सपोर्ट लेके 40 किल कर देते हैं और व्यूज ले लेते हैं, और मैं हाईलाइट डाल के व्यूज ले आता हूँ। इसके ऊपर अमन ने अपनी स्ट्रीम पर क्या बोला ये देख सकते हो गाइस अब अपनी स्क्रीन पर। ये तो बॉट मारना छोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, फिर तुमको बॉट मारना भी छोड़ना पड़ेगा और तुमको मेरे को सिर्फ बैकअप देना पड़ेगा, तो चांसेस हैं। बाकी ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ तुम भी खेल लो और मैं भी खेल लूंगा।
मैं बस टीम देख रहा था, बाकी रैंक पुशर्स की भाई उनकी पूरी स्क्वाड लिटरली खाली कवर देता हां, वो मतलब वो ऐसा होता है बेसिकली, बट वो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगता है इसलिए मैं वो करता नहीं इतना। बॉट वगैरह, चलो बॉट वगैरह तो चलो फिर भी दे दो, लेकिन जो बंदे मारने होते ना तो तीन जने बैकअप पे रहते हैं, सारे बंदे वो एक बंदा मारेगा, और इतने स्किलफुल प्लेयर है आज के टाइम पे मार्केट में कि ना पूरे लॉबी अकेले खाली करते हो अगर तुम बैकअप पे हो, बस तुम ना को रिवाइव दे दो उसको इंस्टेंट, वो हील करके फिर से मारेगा सारे, तो ऐसे करके 40 किल कर सकते हैं। बट उसमें उसमें वो वाले कंटेंट में मेरे को मतलब वो कंटेंट जो देखने वाला है ना वो थोड़े अलग लोग होते हैं, वो अलग मतलब इतना फन नहीं रहता है उसमें, व्यूज आते हैं लेकिन उसमें फन नहीं रहता है। अब जैसे मैंने वीडियो बनाया ना, कितना प्यारा वीडियो बनाया, किल्स कम थे फिर भी लोगों ने पूरा देखा, 3 लाख लोगों ने देखा, थंबनेल देखे मनोरी। अब जो मेरा वाला कंटेंट से ब्रांड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ये कंटेंट देखने में मजा आ रहा है, बाकी वो कंटेंट से ब्रांड्स देखने में थोड़ा ऐसा लगता है क्या है भाई बॉट्स भी मार रहा है ऐसा, तो कंटेंट क्वालिटी डिपेंड करता है सबसे ज्यादा। तो भाई इतना तो आप भी समझ ही गए होगे कि 40-50 किल कौन करता है, तो भाई लॉस से तो समझ ही गए होगे, एंड भाई लॉस वाला गुस्सा हो गए थे, एंड लॉस का जो इस पे रिएक्शन था वो सब आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। गाइस देखो तो भी ऑनलाइन सभी थोड़ी बातचीत कर रही हैं क्योंकि कुछ लोगों अपने अपने ओपिनियन देना स्टार्ट कर दिया स्ट्रीम पे, कल मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैंने कुछ सुना नहीं ठीक है, बट आज मैं सुन के आया हूं, मैं नाम हूं कुछ नहीं लूंगा, एक्स वाई जेड जो भी है आई डोंट गिव अ फक, बट भैया क्यों कंपेयर कर रहे हो, क्यों अपने ओपिनियन दे रहे हो स्ट्रीम पे भैया, प्लीज मत दो, यू आर टू गुड पर्सन, बट ये सारी चीज़ें मत करो, आई नो आपको एक लिए पहले कहीं से कोई ना कोई पहुँचा ही देगा, बट मत करो, मेरी मर्जी, मेरा चैनल, मेरा गेम प्ले, मेरे टीममेट्स, मैं बॉट मारूँ तो उसमें तुमको प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, मेरे टीममेट मेरे को बैकअप दे तो उसमें प्रॉब्लम तुमको क्यों हो रहा है, तुम्हारे टीममेट्स को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, इतनी हंसी आ रही है ना तो हंसो, बट वो थोड़ा ऑफ स्ट्रीम करो, मैच्योर बनो थोड़े, इनफ मैच्योर होना कि आप ऑफ स्ट्रीम में सारी हरकतें करो, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो ऑफ स्ट्रीम बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करूँ और उसकी हाईलाइट डालू, समझे, मैं वो बंदा नहीं हूँ, मैं रियल बंदा हूँ, जो भी करूँगा ऑन स्ट्रीम करूँगा, जो नहीं करूँगा वो कभी नहीं करूँगा, मैं ऑफ स्ट्रीम नहीं करता, बाकी बहुत हाईलाइट चैनल है तुम उनका भी नाम लेके बोल सकते थे ठीक है, बहुत हाईलाइट चैनल है, मैं तो ये बोल रहा हूँ बहुत हद से ज़्यादा, वो जो 50-50 की करते ऑफ स्ट्रीम थोड़ा उनकी कम्युनिकेशन लो, क्लिप्स लो, रॉक क्लिप्स पता चलेगा आपको, बट मत करो यार, मैच्योर बन जाओ थोड़े, मैं बॉट मारूंगा, मारते रहूँगा, जहाँ पे मेरे को परफॉर्म करना रहेगा वहाँ पे मैं परफॉर्म करते रहूँगा, बताई दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, भाई आपको बोला था जैसे ही इस पे कुछ अपडेट आता है मैं आपको पहले बता दूंगा, तो भाई सालिद ओपी ने जब पीएस टीम के ओनर से बात करी थी तो इसके ऊपर उन्होंने क्या बात हुई और ये सब आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। हाक लगाने पे कम्युनिटी के सारे लोग गूंगे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनर गूंगा नहीं हो सकता था, इसी वजह से जब ओनर से बात करी गई तो उन्होंने ये बोला कि ये तो सिर्फ बात कर रखा है, बात करने से क्या होता है, अगर किसी गेम में यूज करे हो तो वो दिखाओ, हैकिंग वाली क्लिप्स दिखाओ, मतलब एक ओनर बोलता है कि सस्पिशियस क्लिप से कुछ नहीं होता, प्रूफ दिखाओ, और वहीं पे दूसरे ओनर को जब प्रूफ दे दिया जाता है इनके हैक यूज करने का, खरीदने का, दूसरे आईडी में लगाने का, बैन करने का, तो बोलते हैं हैकिंग वाली क्लिप लेके आओ, उसके बाद में जब स्क्रीनशॉट भेजा जाता है आईडी का तो बोलते हैं ये वाली तो आईडी है ही नहीं मेरे प्लेयर्स की, इनका लेवल देख, और अगर जैसे तुमको लगे ना कि यार पावर हाउस तो छोटे मोटी टीम होगी, नहीं भाई इनको टीम के स्लॉट्स भी मिलते हैं, और इनका ओनर खुद बोलता है पीएच लग रहा है मेरे टीममेट्स के नाम के आगे, 1-1 लाख रुपए की आईडी है सबकी, तो गौरव भाई अगर आपने हल्के से भी पेशेंस के साथ में चैट पड़ी होती ना तो आपको पता चल जाता कि नंबरदार ने जो अकाउंट लिया था, जो मॉडेड एपी के लिया था, जो हैक लिया था, वो अपने अकाउंट में नहीं किसी और अकाउंट में उसको स्पेक्टेट में बिठा के यूज करने के लिए लिया था। फिर भाई पीएच ओनर की तरफ से हमें एक स्टोरी देखने को मिलती है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर ऑलरेडी देख सकते हो, जिसमें लिखा है कि पीएच लाइनअप को डिसबैन कर दिया है, एंड थैंक यू मुझे पूरी बात नहीं पता थी, चलो भाई कोई तो है कि हैकर वाली टीम को बैन करवा रहा है, एंड भाई नेक्स्ट अपडेट निकलती है स्काउट भाई की तरफ से, तो भाई स्काउट भाई ने भी हैकर के रिलेटेड बहुत सारी बात करी जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि कैसे वो T1 में घुस के भाई T1 प्लेयर्स को ही मारते हैं। हैकर भाई देखो मुझे वो सब नहीं पता, जितने वो क्लिप दिखे हैं मैं उस समय मैं कुछ भी अपना स्टेटमेंट दे नहीं सकता, तो मैं खुद वो क्लिप्स को बैठ के ना देखूं, और मैं बस इतना टाइम नहीं कि बैठ के मैं भी कम्युनिटी में देखूं, कम्युनिटी ऑलरेडी कीचड़ बन चुकी है, यहाँ पे 10 T1 प्लेयर होंगे जो हैक करके अभी T1 में खेल रहे होंगे, हमें पता भी नहीं होगा, और क्या है तुम देखो ना, अगर शैगी को पकड़ाया नहीं जाता तो क्या होता, सब बोलते भाई T1 प्लेयर है, तो वही समझो शैगी अपने हगा से पकड़ा है, अब तुम सोचो शैगी ऐसे कितने लोग होंगे जो T1 में पहुंचने के लिए कितना हैक किए होंगे, तो किसको पता है, बहुत बहुत एक जेन्युइन चीज़ बोलता भाई। अब ये मतलब अंडरडॉग का स्लॉट खा लिया, अंडरडॉग का स्लॉट वो लोग खा रहे जो हैक कर रहे हैं, अगर शैगी हगा नहीं होता तो कोई पकड़ ही नहीं पाता क्यों हैक करे।
तो भाई एक मस्त न्यूज निकलती है BGMI की तरफ से। तो भाई आपको तो पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो भाई स्काई स्पोर्ट चैंपियन 5 फुट ओ का प्राइस पूल BGMS एंड BGS से भी बहुत ज्यादा होने वाला है। एंड जो भाई ये वाला लैन है ना, ये 6 दिन का होने वाला है। और भाई 6 दिन 6 दिन 6 मैच होंगे रोज के, और ये होने वाला है भाई बेंगलुरु में। एंड भाई सबसे तगड़ी चीज इसके ये स्टेडियम में हो रहा है, वहां पे भाई ऑडियंस भी बैठ के देख सकती है पूरे लैन को लाइव। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय गाइस।